गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 13.2। हमारे पास जो चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, उसकी हम 13.1 कर चुके हैं, जो कि टोटल बेस थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर। और जो आपके पास अब 13.2 है वो टोटली बेस्ड ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 13.2। तो इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हैं, इन्हें आप खुद ट्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पे सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पर आ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ़ ए बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4। इन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास 24 बच्चे हो जाएं और तो उनको 5 स्वीट्स मिलती है, मतलब अगर 24 बच्चे हों तो हर किसी बच्चे को 5 स्वीट्स मिलती है। अगर 4 बच्चे कम हो जाएं, मतलब 24 बच्चे थे उसमें से 4 कम कर दो तो कितने हो गए 20, तो अगर 20 बच्चे हो जाएं तो हर किसी बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, ठीक है। तो देखें हम इसको रेशियो से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इन्होंने कहा है कि अगर 24 बच्चे हैं, अगर 24 बच्चे हैं रेशियो 24 बच्चे हैं तो उनको 5 स्वीट्स मिलती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से प्रोपोर्शन, उसी तरह से अगर 4 बच्चे कम हो जाएं, मतलब 20 बच्चे हों तो कितनी स्वीट्स मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे जो अभी तक हम करते थे वो हम डायरेक्ट करते थे। डायरेक्ट में हम क्या करते थे, इन दोनों का इनटू करते और इन दोनों का इनटू करते, ठीक है। डायरेक्ट में हम यही करते थे। इनवर्स में हम क्या करेंगे, इनवर्स को करने का तरीका क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको बता चुका हूँ कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। ऐसा प्रोपोर्शन या ऐसा प्रोपोर्शन या ऐसा रेशियो जिसमें एक वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी वैल्यू घट रही है, तो इसको इनवर्स कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का इनटू करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू और इन दोनों का भी इनटू करेंगे। तो इन दोनों का अगर मैं इनटू करूँ तो 24 इंटू 5 यहाँ पर इक्वल टू 20 इंटू एक्स, जो चीज़ यहाँ इंटू होती है वहाँ जाके डिवाइड। तो 24 इंटू 5 अपॉन में 20 और यहाँ अकेला बचा एक्स। तो देखें इसे काटें, 5 से काटूँगा इसको 4 टाइम्स और 4 से काटूँगा इसको 6 टाइम, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6। इसका मतलब अब जो है हर किसी बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, 6 स्वीट्स मिलेंगी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल इन हिज कैटल फॉर 6 डेज, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। इन्होंने कहा है कि अगर एक किसान के पास, अगर एक किसान के पास 20 एनिमल्स हैं, अगर किसी किसान के पास 20 एनिमल्स हैं, ठीक है, उसके पास 20 जानवर हैं और उनके लिए 6 दिन का खाना है, उनके लिए 6 दिन का खाना है, तो कितने दिन खाना चलेगा अगर 10 एनिमल और आ गए। तो कैसे, पहले 20 थे अब कितने हो गए 30 हो जाएंगे क्योंकि 10 एनिमल और आ गए, तो कितने दिन खाना चलेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे एनिमल पहले है तो प्रोपोर्शन के बाद भी एनिमल पहले ही आना चाहिए, मतलब एनिमल डेज, एनिमल डेज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनिमल डेज और फिर यहाँ पे डेज एनिमल, नहीं, उससे पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको इधर का रेशियो सेम रखना है, एनिमल डेज, एनिमल डेज। तो देखिए इन दोनों का इनटू करना है तो कैसे होगा, 20 इंटू 6 प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू और 30 इंटू एक्स, तो जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड। तो 20 इंटू 6 अपॉन में 30 इक्वल टू एक्स, तो 10 से काटो उसको, 10 3 जा 30, 10 2 जा 20 और 3 से काट दो इसको 2 बार, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ रही है 4। इसका मतलब
अब जो फीड होगा, जो खाना होगा जानवरों का, वो कितने दिन चलेगा? अब केवल 4 दिन चलेगा, क्योंकि क्या हो गया है, अब 10 जो उसके एनिमल्स हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है, तो चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जसविंदर्स हाउस इन 4 डेज। इफ ही यूज 4 पर्सन इंस्टीड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। उन्होंने कहा कि एक आदमी है जसविंदर, उसके घर पे हमें वायर लगानी है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक ठेकेदार है, उन्होंने क्या किया है कि 3 आदमी उसने काम पे लगाए। ठीक है, 3 आदमी काम पे लगाए और वो उस काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो उसी तरह से 3 आदमी 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो उसी तरह से अगर वो 4 आदमी लगा दे तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम। तो देखें कैसा करेंगे, इन दोनों का इंटू कर दो, 3 × 4 इक्वल टू इन दोनों का इंटू 4 × x। तो जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड, 3 × 4 अपॉन में 4 इक्वल टू x। तो 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू 3 डेज। तो अब केवल कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। अगर वो 4 की जगह 3, अगर 3 की जगह वो 4 आदमी को लगाए तो 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, ए बैच ऑफ ए बोटल वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्सेस वुड ही फिल्ड। तो इन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपके पास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन्होंने कहा है कि अगर अगर हर किसी बॉक्स में, अगर हर किसी बॉक्स में 12 बोतल रखी जाती है, अगर हर किसी बॉक्स में 12 बोतल रखी जाती है, तो इस तरह से 25 बॉक्सेस बन जाते हैं। मतलब हर किसी एक बॉक्स बनाया मैंने, उसमें 20 उसमें 12 बोतल रखी, फिर दूसरा बॉक्स लिया उसमें 12 बोतल रखी, फिर ऐसे करके मैंने क्या किया, जब मैं 12 बोतल रखता हूँ हर किसी बॉक्स में, तो वो 25 बॉक्सेस भर जाते हैं। तो उसी तरह से अगर मैं 12 बोतल की जगह 20 बोतल रखना स्टार्ट करूँ, तो अब कितने बॉक्सेस बन जाएंगे। तो देखें इनवर्स का ये, तो 12 × 25 = 20 × x। तो जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड ले जाओ, तो 12 × 25 अपॉन में 20। तो देखिए 5 से कट सकता है, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25। 4 से कट सकता है, 4 × 3 = 12, तो 3 × 5 = 15। तो इसका मतलब 15 बॉक्सेस लगेंगे अब, अगर मैं जो है हर किसी बॉक्स में 20 बोतल रखूँ तो। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63। हाउ मैनी मशीन्स वुड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अगर 42 मशीन लगती हैं किसी काम को कंप्लीट करने में, मतलब मुझे हो सकता है कि 1000 आर्टिकल्स बनाने हैं और उसके लिए मेरे को 42 मशीन लगती है, और वो लगाती है 63 डेज। ठीक है, 42 मशीन काम पे लगी है 63 डेज के लिए, तो काम कंप्लीट हो रहा है। तो अगर मैं हाउ मैनी मशीन्स, अब उन्होंने बोला है कि कितनी मशीन चाहिए मुझे, कितनी मशीन लगाऊं अगर मुझे काम कंप्लीट करना है 54 डेज में, तो कैसे होगा, इन दोनों का इंटू कर दो, 42 × 63 = 54 × x। तो जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड, 42 × 63 अपॉन में 54।
इसको किससे काट सकते हैं हम? नाइन से काटिए, नाइन सिक्स जा और नाइन सेवन जा 63, सिक्स से काट सकता हूँ मैं इसको, सिक्स सेवन जा 42 और सेवन सेवन जा 49। तो हमारे एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 49। मतलब क्या होगा? 49 मशीन्स, ठीक है, 49 मशीन लगेगी इस, अगर हमें 54 डेज में काम कंप्लीट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बार पढ़ लेता हूँ आपके लिए। ए कार टेक्स 2 आवर टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। इन्होंने कहा है कि एक कार जो है, एक कार है जो कि 2 आवर लेती है जबकि वो 60 किलोमीटर के हिसाब से चल रही हो, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। एक कार 2 आवर लेती है अगर 60 किलोमीटर के हिसाब से चले, तो वो कितना टाइम लेगी अगर 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी को दौड़ाया जाए तो? ठीक है, तो देखें इन दोनों को इंटू कर दो, 2 × 60 इक्वल टू x × 80। तो जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड, 2 × 60 / 80 इक्वल टू एक्स। तो इसको 10 से काट देते हैं, 10 6 जा और 10 8 जा, ओके। और इसको 2 से काट दो, 2 4 जा 8। तो हमारे पास आ गया है 6/4, मतलब एक्स की वैल्यू 6/4। तो ये आवर्स में दिए हैं, ठीक है, ये आवर में दिया है। तो अगर मैं आवर्स को मैं अगर चेंज करूं, आवर्स को अगर मैं मिनट में चेंज करूं, तो मुझे इसको चेंज करने के लिए 60 का इंटू करना पड़ेगा। तो 4 से काटो इसको 15 बार, तो 15 6 90। तो हमें जो है 90 मिनट लगेंगे, ठीक है। 90 मिनट्स का मतलब कितना हुआ? 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे लगेंगे, ओके। तो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन करवाने वाले थे वो मैं करवा चुका हूँ। एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़े गए हैं, उन्हें आप घर में ट्राई करेंगे रफ कॉपी पर, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी PDF है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दी जाएगी, ओके। थैंक यू क्लास।